पाकिस्तानी आर्टिस्ट के वो आर्ट गाने जिन्हें बॉलीवुड वालों ने चुरा कर मिट्टी पलीत कर डाली। कसूरी, इस गाने को पाकिस्तान के सुपरस्टार सिंगर अली सेठी और शाइगिल ने गाया था। इसे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी काफी पसंद किया गया, लेकिन फिल्म सत्य प्रेम की कथा के लिए जब इस गाने का रीमेक हुआ तो फैंस काफी नाराज दिखे। वो हैं बारियां। हदीका कयानी का बेहद मशहूर गाना 90 के दशक में फैंस को काफी पसंद आया था, लेकिन जब बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने इस गाने की आवाज दी तो फैंस का मन खट्टा हो गया। डिस्को दीवाने, पाकिस्तान के बीते दौर की लेजेंडरी सिंगर नाजिया हसन जो अनुष्का शर्मा जैसी दिखती थी 80 के दशक में बॉलीवुड में धूम मचा दी थी और कई सुपरहिट गाने गाए थे, लेकिन उनके इस गाने को करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में इस्तेमाल किया गया तो फैंस ने करण जौहर को खूब हरी खोटी सुनाई। कर देते हंस। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म लव आजकल में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म का सॉन्ग कदी तो हंस बोल वे दरअसल पाकिस्तानी आर्टिस्ट शौकत अली का ओरिजिनल गाना था। मेरे रश के कमर, अजय देवगन की फिल्म बादशाहों में मेरे रश के कमर सॉन्ग का रीमेक किया गया, लेकिन इस गाने के ओरिजिनल सिंगर कोई और नहीं बल्कि सदाबहार कव्वाली गायक नुसरत फतेह अली खान थे। हल्का हल्का सुरूर, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म फन्ने खां में इस गाने का रिमिक्स देखने को मिला था, लेकिन ये गाना भी नुसरत फतेह अली खान साहब का ओरिजिनल गाना। कितना सोना, नुसरत फतेह अली खान की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड मेकर्स ने उनका ये गाना भी फिल्म मरजावां के लिए रिमिक्स किया था, लेकिन इस बॉलीवुड सॉन्ग का भी बुरा हाल हो गया। बाजरेदा सिट्टा, इक्का रश्मित कौर और दीप कलसी जैसे बॉलीवुड आर्टिस्ट ने पाकिस्तान के सिंगर मुसर्रत नज़ीर के इस ओरिजिनल सॉन्ग का रिमिक्स वर्जन बनाया था, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी।